15 अगस्त 2022 को आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर लाल किले पर झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के विकास के लिए 5 प्रण का जिक्र किया। पहला प्रण 2047 तक विकसित भारत, दूसरा प्रण गुलामी के एहसास से आजादी, तीसरा प्रण विरासत पर गर्व, चौथा प्रण एकता एकजुटता पर जोर, पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य। इन्हीं में से गुलामी के एहसास से आजादी वाला प्रण लेकर 11 अगस्त 2023 को होम मिनिस्टर अमित शाह 3 बिल लेकर आते हैं, जो है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों बिल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हैं, इसलिए ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद 3 कानूनों को रिप्लेस करेंगे, जो है इंडियन पीनल कोड IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं कि भारत सरकार क्यों इन 3 कानूनों को निरस्त करना चाहती है और इनकी जगह ये 3 नए कानून लाना चाहती है। इन 3 बिलों का मोदी जी के इस प्रण से क्या कनेक्शन है? IPC CRPC क्या है? दोनों में क्या अंतर है? और इस नए कानून के आने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या बदलाव आएगा? दूसरा प्रण हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1860, 1898, 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को समाप्त कर हम तीनों नए कानून प्रस्तावित करने के लिए आए। सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद 3 कानूनों को समझते हैं, जो है IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। सबसे पहले लेते हैं IPC को। इंडियन पीनल कोड ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और लागू किया गया था। IPC का मसौदा 1834 में थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा तैयार किया गया था और 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल को प्रस्तुत किया गया था। इसका मसौदा उस समय के इंग्लैंड के सिंप्लीफाइड कोडिफिकेशन कानून के आधार पर तैयार किया गया था और साथ ही इसके कुछ एलिमेंट नेपोलियोनिक कोड एंड एडवर्ड लिविंगस्टन्स लुइसियाना सिविल कोड ऑफ 1825 से भी लिए गए थे। IPC का फर्स्ट फाइनल मसौदा 1837 में काउंसिल में भारत के गवर्नर जनरल को पेश किया गया था, लेकिन ड्राफ्ट को फिर से संशोधित किया गया। मसौदा तैयार करने का काम 1850 में पूरा हुआ और संहिता को 1856 में विधान परिषद में पेश किया गया, लेकिन एक पीढ़ी बाद तक इसे भारत की कानून की किताब में जगह नहीं मिली। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद बार्न्स पिकॉक के हाथों मसौदे में बहुत सावधानी पूर्वक संशोधन किया गया और इसे पारित कर दिया गया। बार्न्स पिकॉक विधान परिषद के सदस्य थे, जो बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने। 6 अक्टूबर 1860 को IPC को कानून बना दिया गया और 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। IPC के साथ 1860 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि IPC 1860 में ही कानून बना था, लेकिन मैकाले जिन्होंने यह दंड संहिता लिखी थी वे इसे लागू होते नहीं देख पाए थे, क्योंकि 1859 के अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। IPC को 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, जिन्हें धाराएं भी कहते हैं। मतलब IPC में 511 धाराएं हैं, जैसे धारा 302 जो हत्या को परिभाषित करता है और धारा 420 जो चीटिंग धोखाधड़ी को परिभाषित करता है। इस तरह IPC में 511 धाराएं हैं और हर धाराओं में अलग अलग अपराधों को परिभाषित किया गया है और इसमें क्या सजा होगी इसे भी बताया गया है। IPC का उपयोग पुलिस करती है अपराध को पहचान कर कि ये अपराध IPC की कौन सी धारा में आता है और फिर शिकायत दर्ज करती है और मुकदमा चलाने के लिए आगे कोर्ट में भेज देती है। अब बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की। 1860 में IPC के पारित होने के बाद CRPC का फर्स्ट वर्जन 1861 में इनेक्टेड यानी अधिनियमित किया गया था और बाद में 1882 के एक्ट 10 ने CRPC की जगह ले ली। 1882 से क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड 16 कानून पारित किए गए। 1898 में CRPC ने इसे एक बार फिर बदल दिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1923 ने फिर 1898 कानून को अपडेट किया। फर्स्ट लॉ कमीशन ने अपनी 14th रिपोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए थे। समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और संहिता में बदलाव किया गया। 5th लॉ कमीशन की 41वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के जवाब में संसद ने 1973 में CRPC को पारित किया और 1 अप्रैल 1974 को लागू किया।
सीआरपीसी को 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स एंड 57 फॉर्म्स हैं। सीआरपीसी का उपयोग कोर्ट में होता है। पुलिस जब आईपीसी की धारा के तहत शिकायत दर्ज करती है और मुकदमा चलाने के लिए उसे कोर्ट में भेज देती है, तब उस मुकदमे को चलाने के लिए कोर्ट में जो भी नियम कानून होते हैं और जिस प्रोसीजर के तहत मुकदमा चलाया जाता है वो सीआरपीसी के मदद से होता है। कोर्ट का पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत होता है, इसलिए इसका नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। इसमें भारतीय अदालतों में एविडेंस की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और एलाइड इशू का एक सेट शामिल है। इंडियन एविडेंस एक्ट को 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट कई कारणों से इंपॉर्टेंट है। यह गारंटी देता है कि अदालत में केवल विश्वसनीय और स्वीकार्य सबूत ही दिए जाएंगे, जिससे न्याय की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, यह उन परिस्थितियों को परिभाषित करके गवाहों और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करता है जिनके तहत उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है। अभियुक्त वो होते हैं जिन पर आरोप होता है और केस चलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 167 सेक्शंस हैं। अब हमने आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को समझ लिया। अब समझते हैं कि भारत सरकार क्यों इन तीन कानूनों को निरस्त करके नए कानून लाना चाहती है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने जो 5 प्रण लिए थे, उनमें से एक प्रण था गुलामी के एहसास से आजादी, और ये 3 बिल मोदी जी के इस प्रण को पूरा करने जा रहे हैं। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत सरकार ने बनाया था। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार जब ये कानून बना रही थी तो उन्होंने भारतीयों के भले के लिए और उन्हें न्याय देने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया था। ये कानून ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, और इनका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। और ये तीनों कानून गुलामी का एहसास भी कराते थे। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है, इन 3 नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी जो संविधान से मिले हैं। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय विचारधारा से बने ये 3 कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में कहा था, सभी विभागों में अंग्रेजों के समय बने सभी कानून पर्याप्त चर्चा और विचार विमर्श के बाद आज के समय के अनुसार और भारतीय समाज के हित में बनाए जाने चाहिए। 18 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, द सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमीज, 22 लॉ यूनिवर्सिटी, 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अराउंड ऑफ 270 MLA और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक में पहले की 484 की जगह अब 533 धाराएं हैं। पुराने कानून की 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं निरस्त की गई हैं। आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में पहले की 511 धाराओं की जगह अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराएं बदली गई हैं, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त की गई हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में अब 167 की जगह 170 धाराएं होंगी, 22 धाराएं बदली जाएंगी, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 निरस्त की गई हैं। अब समझते हैं इन कानूनों के आने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या बदलाव आएंगे। इन कानून में FIR से लेकर केस डायरी, केस डायरी से लेकर आरोप पत्र और आरोप पत्र से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जो केस का हिस्सा होगी, और इसमें निर्दोष नागरिकों को नहीं फंसाया जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी आरोप पत्र मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्विक्शन रेशो को बढ़ाने के लिए, फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 3 साल बाद हर साल देश में 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट उपलब्ध होंगे। कानून में पनिशमेंट रेशो 90% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले अपराधों में घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम का दौरा अनिवार्य किया जा रहा है। इससे पुलिस के पास साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध होंगे, जिसके बाद अदालतों में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। EFIR का प्रावधान पहली बार जोड़ा जा रहा है।
प्रत्येक जिला और पुलिस स्टेशन एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा। पुलिस को 90 दिन में शिकायत की स्थिति और उसके बाद हर 15 दिन में शिकायतकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और स्थिति के आधार पर अदालत 90 दिनों की और अनुमति दे सकती है। 180 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी और मुकदमा शुरू करना होगा। अदालतें अब 60 दिनों के भीतर आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की सूचना देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे वर्षों तक फैसला पेंडिंग नहीं रहेगा और कोर्ट के ऑर्डर 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सरकार को सिविल सेवक या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे के लिए 120 दिनों के भीतर अनुमति पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे मान लिया गया अनुमति माना जाएगा और मुकदमा शुरू किया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान लाया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोहों और संगठित अपराधों के खिलाफ कठोर सजा का एक नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की जेल, आजीवन कारावास और मौत की सजा तीनों प्रावधान किए गए हैं। पहले महिलाओं से मोबाइल फोन या चेन छीनने पर कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसका प्रावधान कर दिया गया है। मोदी सरकार देशद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी हमारे कानून में। अब इस कानून में पहली बार सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। मतलब इस कानून में आतंकवाद को भी शामिल किया गया है। अब क्राइम के सेक्शंस भी बदल जाएंगे। मतलब अगर पहले मर्डर के लिए सेक्शन 302 था और चीटिंग के लिए 420 था, तो अब ये नंबर बदल जाएंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं आईपीसी सेक्शन 420। आईपीसी की धारा 420 कहती है, जो कोई धोखा देता है, बेईमानी करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रस्तावित बीएनएस में कोई धारा 420 है ही नहीं, क्योंकि इसमें टोटल धाराएं 356 हैं, इसलिए इसमें धोखाधड़ी का अपराध धारा 316 के अंतर्गत आता है। धारा 316 एक धोखाधड़ी और बेईमान को परिभाषित करती है और धारा 316 दो, तीन और चार के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा 3 साल, 5 साल या 7 साल तक बढ़ सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। मतलब अब धोखाधड़ी के लिए 420 नंबर नहीं होगा, अब होगा धोखाधड़ी के लिए 316। आईपीसी सेक्शन 302। आईपीसी की धारा 302 में हत्या के लिए सजा निर्धारित की गई है। जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। प्रस्तावित संहिता में धारा 302 छीनने के अपराध का वर्णन करती है। धारा 302 एक कहती है, अपराधी अचानक या जल्दी या जबरन किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति को जब्त या सुरक्षित कर लेता है या छीन लेता है। चल संपत्ति मतलब जिसे व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है, जैसे मोबाइल फोन, ज्वेलरी और पर्स। प्रस्तावित संहिता में हत्या को धारा 99 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच अंतर की पहचान करती है। धारा 101 एक कहती है, जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। प्रस्तावित संहिता की धारा 101 दो कहती है, जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, ऐसे समूह के सदस्य को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 101 दो एक समूह द्वारा हत्या को संदर्भित करता है, जिसमें लिंचिंग भी शामिल होगी। इसी तरह और भी बहुत सी धाराएं बदल जाएंगी। आपने ये तो समझ लिया कि कैसे अपराध की धाराएं बदल जाएंगी, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि ये नए आंकड़े अभी तक फाइनल नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा बिल पर विचार किए जाने और संसद में बहस के बाद इनमें बदलाव हो सकता है।
इन सब से ये तो पता चल गया कि अगर ये तीनों बिल कानून बन गए और लागू हो गए तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सच में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो इस बिल पर उसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो।